हेलो गाइस, वेलकम बैक न्यू ब्लॉग। तो भाई अभी आज 12वां दिन है मेरा उज्जैन ट्रिप, तो मेरी कंप्लीट हो गई। बात ये सुबह सुबह भाई यहाँ मंदिर में सोया था उज्जैन के, उज्जैन से सिर्फ 1.5 किलोमीटर दूरी, 1.5 या 1 किलोमीटर दूर है रेलवे स्टेशन से सटा हुआ भाई। तो भाई यहाँ मंदिर के अंदर जूते तो ला नहीं सकते, सामान वामान तो लेके आए थे अंदर, ठीक है, और जूते मैंने बाहर ही निकाल दिए भाई। दो बंदे आए थे, मुझे लगता भाई लेकर चले गए जूते, चले गए भाई नंगे पाँव हो गए, और रुपया भी नहीं इतना कि मैं जूते खरीद सकूँ। देखो क्या होता है। फिर इंदौर ना, यहाँ से इंदौर जाएंगे आज। इंदौर भाई गए जूते तो क्या, आप नंगे पाँव चलते हैं नंगा। तो भाई अब जूते भी चोरी हो चुके हैं, नंगे पाँव निकल रहे हैं हम इंदौर के लिए, ठीक है। और इतना मॉर्निंग में कहीं शॉप वॉप भी नहीं खुली जो खरीदा जाए, तो कोई नहीं नंगे पाँव चलते भाई, जूते नहीं है उज्जैन की गलियों में भाई। उज्जैन में सबसे बढ़िया जी पहले जूते में 200 के जूते थे भाई, वो रोड से खरीदे थे, खरीब हो गए, मतलब चोरी हो गए। एक्चुअली भाई मेरे फोन की बैटरी हो चुकी थी डाउन, तो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया। लखनऊ रहता था तब मेरी ये हालत थी। मैं लखनऊ में रहता था, मेरे दोस्त कहते भाई 300 किलोमीटर कहाँ घूम रहा था। मुझे इंदौर का प्रसिद्ध मंदिर गजन खजरानन घुमाया और वहाँ किस बारे में बताया। तो अभी तो मैं मम्मी के साथ जा रहा हूँ खजराना, चलो मिलते हैं सीधे मंदिर में आपको। हाय सत्य व्लॉग्स के नाम से, सत्य व्लॉग, सत्य सत्य ये लोग। भाई यहाँ टहलने में बहुत मजा आ रहा है, मजे चढ़ाते नहीं है भाई, डर तो नहीं करते रहते हैं। जूते होते तो निकाल के रख दिए, अब चलते हैं हाथ धुलते हैं सीधे मंदिर में दर्शन करते हैं, आपको भी कराते हैं। सबसे फेमस मंदिर यही है इंदौर का, इंदौर का सबसे फेमस, नॉट इवन इंदौर का, एमपी का बोल सकते हैं आप, क्योंकि एमपी में जैसे महाकाल कालेश्वर है, ओंकारेश्वर है, वैसे खजराना है। इंदौर का सबसे फेमस मंदिर खजराना है। खजराना इसलिए फेमस है क्योंकि यहाँ पर कहते हैं कि सारे भक्तों की मनोकामना पूर्ण होती है, सच्चे मन से लेके सच्चे मन से मांगते हैं सारी मनोकामनाएं बिल्कुल बिल्कुल होती है भाई। ये मेरे ना यहाँ पर दूसरे नंबर पे मेरे लिस्ट में था कि यहाँ पर जाना है। हाँ। एक तो बंद है राजवाड़ा। हाँ। और उसके बाद यहाँ था, अब इसके बाद एक और मंदिर है सत्य सत्य राजवाड़ा, जो एक हिस्टोरिकल प्लेस है। तो भाई हम लोग करने जा रहे हैं 60 वाले दर्शन, क्योंकि एक्चुअली पीछे मेरे लाइन देख सकते हैं कितनी बड़ी लगी हुई है, तो 60 में करेंगे दर्शन भगवान के, गणेश भगवान के, और यहाँ से लेंगे निकल। जय भाई देख नहीं रोके भाई, ये मंदिर का कुछ सीन यहाँ का ऐसा है, और कितने भव्य लग रहे हैं भाई, रियलिस्टिक। तो भाई प्रसाद साथ ले लिए हैं और चलते हैं बाहर। अब बढ़ गया भाई, बढ़ गया, अरे बैग है यार वही, 52 भाई। अब मंदिर में दर्शन करने के बाद हम लोग जा रहे हैं चाय पीने राहुल भाई के साथ, हर्बल टी है भाई, तो ट्राई करते हैं एक बार। भाई चाय का कलर तो ऐसा है जैसे जलजीरा का पानी भाई। चलिए ठीक है भाई, जर्नी थैंक यू भाई, है ना, मुझे अच्छा लगा आपसे। पता है कि गणेश मंदिर में भगवान के दर्श जी के दर्शन भी हो गए हैं, और पीछे प्रसाद चल रहा था, प्रसाद वसाद भी मतलब ग्रहण कर लिए हैं,
मतलब इंदौर आएंगे तो भाई खाने की कोई दिक्कत नहीं, आए बढ़िया यहाँ पर रहें खाएं, धूप बहुत तगड़ी हो रही है और रहने की यहाँ पर एंड बसेरा भी इंदौर में मिल जाएगा भाई, क्लीन सिटी है तो आओ कभी। यार मैं आ चुका इंदौर है और पता ही है भाई सुबह सुबह क्या हुआ, जूते चोरी हो गए थे और अब बैठा हूँ यार एक रैन बसेरा है खजानन के पास, तो वहीं पे भैया खाना वाना सब फ्री मिलता है पड़ोस में, खजानन मंदिर है गणेश जी का, आराम से आए और खाना वाना खाए, उनको रूम दिखाते हैं रूम क्या है, यहाँ का चार्ज भी बिल्कुल भाई जीरो है, आएंगे बिल्कुल एक भी पैसा नहीं पड़ना है, जैसा नाम ही सुना है आपने इंदौर मतलब मस्त जगह है, तो भाई रियली में क्लियरिटी एंड सफाई बहुत अच्छी है यहाँ की, उनको थोड़ा यहाँ का रैन बसेरा दिखाते हैं भाई। ये वो बेडशीट है जिस पर मैं लेटा हुआ हूँ और ये इधर की आराम, ये उधर की सारी बेडशीट्स पड़ी हुई हैं, बढ़िया पंखा लगा हुआ है अपना और ब्लोअर ऊपर लगा हुआ है और हाँ जाड़ों में गर्मी की व्यवस्था रहती है तगड़ी वाली। तो बस ये भी इस वीडियो में इतनी ही, अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, थैंक्स फॉर वॉचिंग, वीडियो मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद जय भारत।